भूख पे कंट्रोल किसको नहीं, क्योंकि होता है ना कभी आप कहते हैं यार दो चार सीन कर लें फिर लंच ब्रेक करेंगे, आप चारों में से भूख पे किसको कंट्रोल? सबको चारों में से सबको है, कभी कोई नहीं कहता कि अभी करने खाना, हाँ सॉरी कुछ ज्यादा खाना होता है निदा, आप गलत बोल रहे हैं, हम कहते हैं मैं कहती हूँ प्लीज और काम कर लो फिर खाने की ब्रेक। अच्छा क्योंकि आयशा नहीं, उसकी वजह है, उसकी एक वजह है क्योंकि आयशा अपने घर से को 50 चीजें लाती है और साइड में होके खाती रहती है इसकी, हाँ। तो हमें कहेंगे चार दिन और कर लो ना अभी क्योंकि मैं तो खा रही होती हूँ भाई, एक पूरा डब्बा आता है इसका, बहुत स्नैक्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती जो मुझसे शेयर भी करने पड़ते हैं, हम जबरदस्ती कर कर लेते हैं। अच्छा ये तो अपने घर से खाने का सामान लाती है, आप क्या लाती है अपने घर से? मैं कुछ खाने की जरूरत नहीं होती, कुछ भी ले लेती हैं। नहीं सेट पे बहुत होता है, अपना वो साइंटिफिक खाती है ना कि ये चीज घनी खाने, सब खाती हूँ मैं, लंच भी करती हूँ सबके साथ, बस मैं मेरा अपना तरीका। अच्छा हमारे आयशा जी बहुत सिलेक्टिव चीजें होती है ना, मतलब कोई कलौंजी हो गई, कोई अलसी के सीड्स हो गए, कोई बी कॉम्प्लेक्स हो गया, कोई सी डी क्या वो पता नहीं क्या, कोई कोकोनट ऑयल में कुछ हो गया, कोकोनट ऑयल में कुछ हो गया, और पराठा कौन सा आता है वो सख्त सा, घर कबूतरों को डालती है बाकी जो बच जाता है उसकी रोटी पका के साथ। अच्छा हमारे अच्छा सेट पे ना बुलबुले के सेट पे अल्लाह की खास रहमत है, वहाँ बहुत खाना वैसे ही बहुत होता है, अच्छा, शाम में कोई आ रहा है वो लेके आ रहा है, कभी हाँ। कुछ ना कुछ चल रहा है कुछ हमारी होती है टी पार्टी, और एक जिससे मैं बहुत इरिटेट होता हूँ क्योंकि इसलिए खाना कुछ नहीं होता ना, तो मतलब की चीज अपने साइड पे खा लेना होता है। कभी ऐसा माहौल हुआ आयशा करिए डाइट या कुछ इस तरह फैशन डाइट? मैंने कभी जिंदगी में ना डाइट की, इनको पता नहीं, हेल्दी खाना खा रही है तो आप सब भी कहे हो नहीं यार मुझे भी अपना वजन कम करना है, जैसा कि एक इंसान को खाना चाहिए वैसा खाना खाते।